हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्मृति चित्रण में एक फावड़े का चित्र बनाएंगे, तो चलो शुरुआत करते हैं। फावड़ा बनाने के लिए सबसे पहले एक इस तरह से स्लैंटिंग लाइन खींचेंगे, इसके पैरेलल एक और लाइन खींचेंगे जो ऊपर से थोड़ी सी पतली और नीचे थोड़ी सी हल्की सी चौड़ी होगी। इस हैंडल की डंडे की मोटाई दिखाने के लिए ऊपर वाला हिस्सा ऐसे गोल बनाएंगे। इसके बाद ये नीचे हमें अपना फावड़ा यहाँ पे लगाना है, तो फावड़े के लिए लोहे का फावड़ा होता है और वो इस तरह से इस डंडे में फंसेगा, इस तरह से। तो ये लाइन बना ली हमने और उसके बाद लाइन ऐसे खींचेंगे और एक लाइन इसके पैरेलल इस तरह से खींचेंगे और इसको भी गोल कर देंगे नीचे से। और इसके बाद ये जो हमारा डंडा था, हैंडल, ये नीचे भी रहेगा थोड़ा, तो ये वाली लाइन नीचे बना देंगे। इस डंडे को, हैंडल को भी नीचे तक बढ़ा दिया ऐसे और नीचे से गोल कर दिया। और इसके बाद क्योंकि ये लोहे का है तो इसकी हैंडल की ये लाइन मिटा दी हमने इस तरह से। इसकी मोटाई दिखा देंगे, और इसके बाद जो फावड़ा है हमारा वो किस तरह से रखा हुआ है उसको हम ऐसे बनाएंगे। ये जो इसका फावड़े का ये वाला हिस्सा जो डंडे में अंदर घुसा हुआ है, इसके पास से इस तरह से बनाएंगे हम, एक बॉक्स जैसा बना लेते हैं। फावड़ा भी सभी ने देखा होगा जब घरों में काम होता है, आगे से थोड़ा पतला और पीछे से चौड़ा, इस तरह से बना लेते हैं। इसके बाद इसको हम शेप दे देंगे, तो ये पीछे की साइड से भी गोल होता है इस तरह से। जो लाइन हमने करी है उसको इस तरह से कर देंगे, ऐसे पता लगेगा कि इस लोहे वाले हिस्से से ये जुड़ा हुआ है। इसको, ये जो बॉक्स बनाया है, इसको हम आकार दे देते हैं, हल्की सी गोलाई कर देंगे इसमें और ऊपर की तरफ से भी हल्का सा गोल कर देंगे। ये भी बिल्कुल सीधी लाइन नहीं रहेगी, हल्का सा स्लैंटिंग लाइन इस तरह से, और अंदर वाली लाइन को मिटा देंगे। हमारा फावड़ा बन गया है। अब इस अनावश्यक रेखाएं जो हैं हम उनको मिटा देते हैं। इसके बाद ये जो फावड़ा है ये इस लोहे वाले हिस्से से जुड़ा होता है, तो इसके लिए हम इसमें सेंटर में कीले भी लगाएंगे। नीचे हिस्सा होता है उससे ये लगा रहता है, तो इसमें हम इस तरह से 2-3 कीले बना देंगे जिससे ये होगा कि ये नीचे से जुड़ा हुआ है। इसके बाद अब हमें इसमें छाया और प्रकाश दिखाना है, तो छाया और प्रकाश दिखाने के लिए क्योंकि ये लंबाई में है हमारा हैंडल, तो हम चाहे तो इसमें लाइंस भी बना सकते हैं इस तरह से। ये भी एक शेडिंग करने का एक तरीका है, और इस वाले हिस्से को पूरा डार्क कर देंगे। इसी तरह से ये वाला हिस्सा भी हम डार्क कर देंगे और इसमें हल्की सी शेडिंग कर देंगे। इसके बाद इसमें भी हम थोड़ी सी शेडिंग कर देते हैं 6B पेंसिल लेके।
और इसको कॉटन से थोड़ा बराबर कर देंगे। जो ये कीले हैं इसके आसपास भी थोड़ा सा डार्क कर देंगे। और उसके बाद कीलों को फिर से डार्क बना देंगे। हमारा फावड़े का चित्र बन गया है। अब हम इसको साफ कर लेते हैं। अपने चित्र को हमेशा साफ करना चाहिए जिससे सुंदर दिखाई देने लगता है, और इसमें शेडिंग करते समय काला हो ही जाता है, तो हमेशा चित्र को साफ करते रहना चाहिए। और अब अपनी लाइन को दोबारा से डार्क कर लेंगे। अब एक बार फिर से अपने शेड को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। फावड़े का चित्र बनकर तैयार है। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।